सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इंडियन ट्विंस मम्मी को और इस बेल रिंग को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और अभी दोपहर का बज रहा है 1:30। आज बहुत लेट हो गया मुझे व्लॉग बनाने के लिए क्योंकि आज जो है थोड़ा सा मामला इधर उधर हो गया था। मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़े से मुझसे नाराज़ हो गए थे और स्वामी श्री गणेश जी बेड पे आ रहे हैं। ओके, तो मेरे जो हस्बैंड है वो मुझसे नाराज़ हो गए थे क्योंकि आज उन्होंने प्लान किया था एक जगह जाने के लिए और मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली मना कर दिया क्योंकि वो इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है, यानी कि हमारे सिटी से 1.5 घंटा दूर है। तो मैंने उनको कहा कि बारिश चल रही है, हम कभी किसी और दिन जाएंगे, यानी कि विंटर में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हम दोनों जाने वाले हैं तो मुझे लगता है कि ये सेफ़ जगह नहीं होगी हमारे लिए। तो इसलिए मैंने उनको बोला नहीं, हम कभी मतलब विंटर में जाएंगे। तो वो मुझसे नाराज़ हो गए और बात भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी तैयारी की। एक्चुअली उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले बताया था बट मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, बट सुबह मैंने उनको बोला कि नहीं हम नहीं जाने वाले हैं तो और ज़्यादा नाराज़ हो गए। वो बोले मुझे कि तुम अगर हमको जाना ही नहीं था तो दो तीन दिन से मैं प्लान बना रहा हूँ तो तुम्हें बताना चाहिए था मुझे। ओके, जाने दीजिए। और हाँ, शायद हम जाने वाले थे जग्गा जासूस मूवी देखने के लिए बट मैंने यूट्यूब पे उसके रिव्यू देखे, बहुत ही गंदी मूवी है, मतलब इतनी अच्छी मूवी नहीं है जितनी दिखती है वो। उसके सॉन्ग अच्छे हैं जग्गा जासूस मूवी के बट मुझे नहीं लगता है टाइम पास करने के लिए हमें जाना चाहिए वहाँ पे। और यस, स्वामी श्री गणेश जी यहाँ पे है और मैंने आज बनाया है फिंगर चिप्स, मैं आपको दिखाती हूँ। स्वामी श्री आप फिंगर चिप्स खा रहे हो और गणेश श्री आपने क्या खाया था? ओके, और अभी हम खाएंगे फिंगर चिप्स और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको।
सो मैं जस्ट अभी तैयार हुई हूँ, अभी बज चुका है शाम के 4 और मुझे नहीं पता है कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं। और सोमेश्वर गणेश जो है अपने पापा के साथ गई हुई है, नीचे गई हुई है। जैसे कि आपको पता ही होगा मैं फ्लैट में रहती हूँ 2nd फ्लोर पे, तो मेरे हस्बैंड उनको लेके गए क्योंकि सोमेश्वर गणेश बहुत ज़्यादा कह रहे थे उनके पापा से कि हमें बाहर जाना है बाहर जाना है। तो चले देखते हैं कि हम कहाँ पे जाते हैं। हाय सोमेश्वर गणेश, आप कहाँ पे जा रहे हो? गणेश जी आप क्लीनिंग कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दिखाओ क्लीनिंग करके। सो जस्ट मैं अभी नीचे आई हूँ और मेरे हस्बैंड फिर से ऊपर चले गए क्योंकि उनको मोबाइल का चार्जर रह चुका है और घर में गेहूँ का जो आटा है वो ख़त्म हो गया है, तो हमें गेहूँ का आटा चक्की में भी डालना है। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले हम गए थे सांगली, यानी कि हमारे सिटी से 1 घंटा कुछ तो दूर वो सिटी है और वहाँ पे गणपति का बहुत पुराना मंदिर है, तो वहाँ पे हमने दर्शन किया। और उसके बाद हम आए थे चाय पीने के लिए। हाँ स्वामी श्री मेरे साथ है और चाय पीने के लिए आए थे, तो चुरमुरा भी खाया क्योंकि यहाँ का सबसे फेमस चुरमुरा था, यानी कि गरम गरम चुरमुरा मिलता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने चाय पी और मेरे हस्बैंड और गणेशश्री जो है वो अभी चाय पी रहे हैं, तो मैंने सोचा गाड़ी में आके बात कर लूँ क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग थे, आई फील रियली अनकम्फर्टेबल। सो यस, और अभी हम जा रहे हैं शायद कोल्हापुर, वो भी सिटी हमारे दो मिनट। तो अभी हम जा रहे हैं कोल्हापुर और वो सिटी हमारी सिटी से 1.5 घंटा है कुछ तो दूर है। और आज का जो मौसम है बहुत अच्छा है, यानी कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, इतनी भी ज़्यादा होने रही है, तो अच्छा है। और अभी हम जाएंगे कोल्हापुर के लिए और खाना भी बाहर से खाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली घर पे कुछ नहीं बना है सुबह से मैंने, तो चलिए चलते हैं। प्लान हुआ था कोल्हापुर जाने का, तो चेंज हो गया क्योंकि वो जो सिटी है सांगली सिटी से 2 घंटा दूर थी
और सौमिश्र गणेश बिल्कुल नहीं रह पा रही थी, इतना रोई जा रही थी, इतना रोई जा रही थी। और सौमिश्र भी सोई हुई है, दिखाती हूँ। और इसलिए वजह से हमने बोला कि नहीं अभी हम नहीं जाएंगे कोल्हापुर सिटी, नेक्स्ट संडे या फिर कभी किसी और दिन हम कोल्हापुर जाएंगे। और अभी सौमिश्र सो गई है, गणेश भी सोने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है घर में खाना बनाया जाए। और अभी सौमिश्री उठी, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। सौमिश्री यानी कि बच्चों की वजह से आपको आपके हर प्लान चेंज करने पड़ते हैं। हमें लग रहा था कि उन दोनों को बहुत नींद आ रही है। अभी अभी देखा, पहले अपने सौमिश्री सोई हुई थी, अभी उठ के वो पापा के पास गए। और मतलब पूरा प्लान चेंज हो गया हमारा। एनीवेज मैं अभी खाना बनाने वाली हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। अभी रात का बज चुका है 10 और मैंने खाना खा लिया है। और खाने में मैंने बनाया था पराठे और प्याज के पकौड़े बनाए थे। और मैं बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि हमारा प्लानिंग ही नहीं था घर में आके खाना बनाने का, हम बाहर ही खाना खाने वाले थे। बट सौमिश्री गणेश बिल्कुल शांत नहीं बैठ रहे थे, गाड़ी में इतना परेशान कर रहे थे कि मेरे हस्बैंड को गाड़ी भी नहीं चलाने दे रहे थे। दोनों कह रहे थे कि हमें पापा के पास ही बैठना है। और आते वक्त हमने चक्की में से आटा लिया था और फिर उसके बाद मैंने घर में आके पूरा खाना बना लिया। बहुत थक चुके हो, अभी मुझे किचन भी क्लीन करना है। और क्या होता है ना, बच्चे होते हैं आपके पास तो कभी कभार प्लान चेंज हो जाता है। तो बट यस, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारा मतलब प्लान फेल हो गया या फिर कुछ हो गया। हम गए बहुत दिनों के बाद उस सिटी में गए, यानी कि सांगली सिटी में गए। वो सिटी जो है हमारे सिटी से लगभग 1.5 या 2 घंटा कुछ तो दूर है। और वहाँ का जो मंदिर है वो बहुत फेमस मंदिर है, यानी कि बहुत पुरातन मंदिर था।
और मैं बच्चों के लेके फर्स्ट टाइम गई थी और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि वहाँ पे जाओ भगवान जी के दर्शन करने के लिए स्वामी श्री गणेश जी को, बट वो मन्नत आज पूरी हुई मेरी। मुझे लगता है हम करीब करीब 2 या 2.5 साल के बाद उस मंदिर में गए थे और अच्छी थी। मतलब मुझे ऐसा लगा आज कि हमने बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव किया, यानी कि लॉन्ग ड्राइव वाली डेट हो गई। हम बस मंदिर में गए और वहाँ से फिर लौटे। आते वक्त हमने थोड़ी चाय पी और चुरमुरा खाया था एक होटल में, और ठीक ऐसा मेरा आज का दिन चला गया संडे का। थोड़ा बहुत ये लगा कि हम बाहर और भी घूमना चाहते थे, बट नहीं हुआ स्वामी श्री गणेश जी की वजह से। एनीवेज होता है, बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर होना होता ही है। और घर में आने के बाद स्वामी श्री गणेश जी शांत बैठे, मतलब सच में गाड़ी में स्वामी श्री गणेश जी इतना परेशान कर रहे थे और घर में आके खेलने कूदने लगे, ऐसे होते बच्चे। एनीवेज तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। सो टिल देन, बाय एवरीवन।